त्योहारें हैं पार्टिसिपेशन यहाँ पे, क्योंकि वैसे तो रिज पे ही लगता है पर गांव के क्षेत्रों में वो लग नहीं पाता, तो बड़ी अच्छी बात है रावत जी और उनकी टीम पूरा इसमें कर रही है साथ में। इसी में ही मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश सरकार, टूरिज्म विभाग, हमारा रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एमएस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, वो उनकी भी सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। पिछले साल भी डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म में भगवती जी DTDO बैठे, पूरी टीम ने जो है टूरिज्म की बहुत अच्छा इसमें कार्य किया है। तो मेरा आप लोगों से भी यही निवेदन है और आपके माध्यम से मैं केवल प्रदेश के पूरे देश के तो आपके थ्रू जाएंगे, मैसेज जाएगा कि यहाँ पे आए, इसमें पार्टिसिपेट करें, थोड़ा एक्सप्लोर करें ताकि यहाँ की आर्थिक आर्थिक स्थिति जो है वो भी सुधरे, क्योंकि समय समय पे यहाँ पे कुछ न्यूज टूरिज्म के तहत उल्टी सीधी भी दिखाई जाती है कि अभी अभी बारिश हो गई, बाढ़ आ गई है, तो टूरिज्म बहुत इससे इफेक्ट जो है हमारा, मैं समझता हूँ यहाँ चक्का हो रहा है, इससे दूर होने की, इसको दूर करने की हमारे को बहुत ज़रूरत भी है। और रावत जी जो है इसमें एक, मैं समझता हूँ कि एक पहल जो है इन्होंने करी है पिछले साल से लेकर, उसमें काफ़ी सुधार भी हुआ है और सरकार पूरी हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है ऐसे इनिशिएटिव के साथ साथ खड़ी। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जैसा सर ने कहा, इट इज हिज प्रोएक्टिव एटीट्यूड बिकॉज ऑफ व्हिच द गवर्नमेंट हैज कम टू सपोर्ट अस। लास्ट ईयर भी सरकार ने सपोर्ट किया, इस बार सपोर्ट है, सरकार का फाइनेंशियल भी है और अदरवाइज रिसोर्सेज तो 100% है। तो थैंक यू सर, थैंक यू, आपका जो प्रोएक्टिव एटीट्यूड है, आपका जो सपोर्ट है, इट विल टेक दिस इवेंट इन अ लॉन्ग वे। आप देखिएगा आने वाले समय में आपका ये जो प्रोत्साहन है हमें बहुत आगे तक लेके जाएगा।